आज हम कक्षा आठ का अध्याय एक इसकी प्रश्नावली दशमलव दो का प्रश्न क्रमांक तीन एवं चार हल करेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक तीन पढ़ लेते हैं ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखें जो दो से छोटी हो देखिए संख्या रेखा पर टू कहाँ पर होता है यहाँ प्लस टू ये इस साइड होता है अब इसकी दो से छोटी हो, तो हम कोई भी पाँच परिमेय संख्याएँ ले सकते हैं दो से छोटी पाँच परिमेय संख्याएँ ये हो जाएगी वन जीरो माइनस वन माइनस टू है ना ये हो जाएंगी हमारी दो से छोटी पांच परिमेय संख्याएं अब इनके नीचे कुछ हर में नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो क्यू वन तो हो सकता है सबके नीचे वन तो है पहले से इसलिए हम ये वाली परिमेय संख्याएं ले सकते हैं अब इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चार इसमें दिया है माइनस दो बटे पांच और एक बटे दो के मध्य दस परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हम इसको कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम इन संख्याओं को लिख लेंगे माइनस दो बटे पांच और यह है एक बटे दो अब इसके बीच में हमें दस परिमेय संख्या लेनी है तो इसको हम सबसे पहले इसके हर समान करेंगे इसको दो बटे दो से गुणा करेंगे इसको पाँच बटे पाँच से करेंगे क्योंकि ये क्योंकि इसके हर का यहाँ कर देंगे तो हर समान हो जाएंगे ये दस हो जाएगा यहाँ पर भी दस हो जाएगा अब ये ऊपर का माइनस चार और ये प्लस पाँच अब देखिए माइनस चार और पाँच ये संख्या रेखा पर आते हैं ये पाँच तो यहाँ आ गया और माइनस चार यहाँ आया और ये जीरो तो चार संख्याएं इस तरफ हो जाएंगी और तीन संख्याएं इस तरफ सात ही संख्याएं मिलेंगी हमें सात या आठ हमें निकालनी हैं दस संख्याएं है, तो हम इसको फिर से दो बटे दो से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आठ बटे बीस और यहाँ पर भी दो बटे दो से करेंगे तो ये हो जाएगा पाँच धोनी दस बटे बीस है ना अब माइनस आठ ये संख्या रेखा पर यहाँ आएगा और बीस दस यहाँ आएगा हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी माइनस आठ और दस के बीच में ये बटे बीस हम इसके साथ लगा सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे माइनस दो बटे पांच व एक बटे दो के मध्य पांच परिमेय दस परिमेय संख्याएं होंगी दस परिमेय संख्याएं होंगी कौन कौन सी होंगी ये हम ले लेंगे माइनस सात बटे बीस है ना बीच की लेनी है इस तरफ संख्याएँ बढ़ती जाती हैं माइनस छः बटे बीस माइनस पाँच बटे बीस और शून्य भी ले लेंगे और अब हम कितनी चार हो गई हैं छः हम धनात्मक संख्याएँ ले लेते हैं एक बटे बीस दो बटे बीस तीन बटे बीस चार बटे बीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पाँच बटे बीस छः बटे बीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये हो गई हमारी दस परिमेय संख्याएं अब यहाँ पर ये यह देखिए जब हम संख्या रेखा बनाते हैं इसमें क्रम कैसा रहता है यहाँ बढ़ते हुए क्रम में धनात्मक और ये ऋणात्मक घट यहाँ पर भी इस तरफ बढ़ते हैं अंक जो है यहाँ बढ़ते हैं ये देखिए माइनस वन माइनस टू है ना इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है ये प्रस्तुति टेन फिंगर्स चैनल की ओर से थी आपको इस अध्याय में या दूसरे किसी भी अध्याय में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिख भेज सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद